अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूंगी आलू के पराठे की। बहुत सादा से इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके लिए मैंने दो आलू ले लिए हैं, इनको बॉईल कर लिया है। एक हमें प्याज चाहिए, एक मिनी आधा प्याज आप डाल सकते हैं अपनी ज़रूरत पसंद के मुताबिक। और थोड़ा सा हमें इसके लिए धनिया चाहिए होगा। धनिया और प्याज को मैंने चॉप कर लिया है। आलू जो बॉयल किए हुए थे पहले से ही, इनको पील ऑफ की छील लिया है। और ये आलू जो है मैंने फॉर्क की मदद से इनको मैश कर लिया। आलू मैश हो रहे हैं, ये आलू मैश कर लिए थे मैंने। अब इसमें आप हसबे ज़रूरत नमक ऐड किए, आपकी मर्ज़ी है, अपने टेस्ट के मुताबिक आप डालें। ये लाल मिर्च पाउडर हसबे ज़रूरत, ज़ीरा थोड़ा सा, आप कुटा हुआ ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्याज, धनिया, नमक मिर्च और आलूओं को मिक्स करना है। हाथ की मदद से करेंगे तो वेल एंड गुड। हाथों पे पहले ऑयल लगा लीजिएगा ताकि मिर्चें आपके हाथों को ना लगें। आप इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। मैंने हरी मिर्चें ऐड नहीं की क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है, इसलिए फिर बच्चे वो चीज़ नहीं खाते जिसमें हरी मिर्चें ऐड हुई हूँ, इसलिए मैंने हरी मिर्चें इसमें शामिल नहीं की। आप बारीक बारीक काट के हरी मिर्चें इसमें शामिल कर सकते हैं। हाथ की मदद से मैंने ये बनाई है, मैश किया है सारा कुछ और अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब हमने इसके बाद रोटी के दो छोटे छोटे पेरे लेने हैं। इनको आपने थोड़ा सा बेल लेना है और फिर जो आपने पीठी सी बनाई है उसको आपने इसके अंदर, पेरों के अंदर, एक पेरे के अंदर रखना है। ये जो दो पेरों वाला आलू का पराठा होता है ये सबसे ज़्यादा टेस्टी बनता है। एक पेरे में भी बनता है लेकिन वो उसका वो टेस्ट नहीं आता। बाज़ लोग आलू मैश करके आटे ही में ही गूंद लेते हैं, वैसे भी पराठा बनाते हैं, लेकिन इस पराठे का अपना ही टेस्ट है। ये अब दूसरा जो पेरा किया हुआ था इसके ऊपर आपने ऐसे उंगलियों की मदद से प्रेस कर देना और इसको ज़रा उंगलियों की मदद से, हाथ की मदद से आपने इसको फैलाना है थोड़ा सा। इसके बाद थोड़ा सा आपने इसको बेलना है, खुश्का लगा लें ताकि ये चिपक ना जाए नीचे शेल्फ पे या जिस पे भी आप बना रहे हैं। थोड़ा सा खुश्का लगा लें दोनों साइड्स पे और इसको दोबारा से बेल लें। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप जितना बेलना चाहें आप इसको बेल सकते हैं। अगर आपको पतला पराठा पसंद है तो आप इसको ज़रा पतला मज़ीद थोड़ा बेल लें, और अगर आपको ज़रा मोटाई वाला पराठा पसंद है तो आप इसको कम बेल लें। ये इस तरह जी, अब तवा गरम होने मैंने रखा हुआ था पहले से ही, तवे पे डाल दिया। हल्की हल्की इसकी दोनों साइड्स को आपने पका लेना है। ये नीचे वाली साइड थोड़ी सी हो गई थी तो मैंने इसको पलट दिया। अब जैसे ही ये दूसरी साइड होगी थोड़ी सी तो इस पे मैं देसी घी फेंकूंगी। ये देसी घी मैंने इस पे डाल दिया। ये देखें जी, खुशबू बहुत मज़ेदार आ रही है। देसी घी की तो खुशबू ही अलग होती है। आप उतनी देर तक मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये आपका प्यार होता है, मोहब्बत होता है। इसके ऊपर मैंने मक्खन लगाया है, मक्खन से।